हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिलते जुलते टर्म्स की जो क्वेश्चन में यूज होते हैं और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। आपका फर्स्ट जो टर्म यूज किया जाता है, अब ब्लूम के रिलेटिव बात हो रही है, तो आपका एक वर्ड यूज होता है वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम। दूसरा वर्ड यूज होता है अलगल ब्लूम। थर्ड वन इज रेड टाइड एंड द फोर्थ इज रेड सी। ये चार वर्ड होते हैं, आपस में यूज हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कब कहाँ क्या होना, इसमें दिक्कत आती है। चारों एक ही हैं या अलग है? तो देखिए, ब्रॉड में देखें तो ये सारी चीज़ें एक हैं। अगर ब्रॉड में बात करेंगे तो सारी चीज़ें एक हैं। देखिए, सबसे पहले हम ब्लूम की बात करें, ब्लूम को अगर डिफाइन करें तो ब्लूम को डिफाइनिंग क्राइटेरिया होती है, इसके लिए एक्सेसिव ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ इन एक्सेस ग्रोथ होना चाहिए, या आपके माइक्रोब्स होने चाहिए, मीन्स आपके प्रोकैरियोट या अलगी होते हैं। ठीक है, ये अलगी, आप इसको अलगी मान लें, अलगे या डायनोफ्लैजलेट में भी पाए जाते हैं, डायनोफ्लैजलेट। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेस ग्रोथ होना चाहिए एंड टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, सेक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंसेज विच में हार्म्स द इंडिजिनस एनिमल्स एंड ऑल्सो द ह्यूमन थ्रू फूड चेन। ओके, तो टॉक्सिक सब्सटेंस का सेक्रेशन होना मस्ट है, अगर ये होता है तो ब्लूम बोलते हैं। ठीक, जैसे आपका टेरर ऑफ बंगाल जो जलकुंभी होती है, वाटर हैंचेज, उसको आप ब्लूम नहीं बोलते हैं, ब्लूम आपके यही होते हैं। टॉक्सिसिटी सेक्रेट होनी चाहिए, वाटर एक्सेसिव ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ होने के बाद ये वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं और वहाँ के इंडिजिनस फौना फ्लोरा को इफेक्ट करते हैं और मॉर्टिलिटी फेसेस वगैरह की बढ़ जाती है। ठीक है, और ये आपके मेनली जो सिलेबस में बताया जाते हैं वो आपके एल्गी और डायनोफ्लैजेलेट्स में ही होंगे। तो अगर आपके ब्रॉड में पूछा जाए वाटर ब्लूम कुछ ऐसा, तो वाटर जो भी ब्लूम हम मैंने डिफाइन कर दिया, अगर वाटर बॉडी में हो रहा है, मीन्स दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ वाटर ब्लूम। मीन्स वाटर ब्लूम जो है एक ब्रॉड टर्म है जो तीनों के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम की बात करें तो यहाँ पे नाम से क्लियर है, एल्गी होनी चाहिए, मीन्स आपका वीजी होना चाहिए। ओके, रेड टाइड जो होता है, जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया, एनसीईआरटी में तीन आपके ये वर्ड मेंशन है, अलगल ब्लूम जो कि आपको 12th एनसीईआरटी में मिलेगा, ये आपको रेड टाइड मिलेगा, एंड वाटर ब्लूम भी आपको मिलेगा, ये वीजीएम में मेंशन कर रखा है वाटर ब्लूम, अलगल ब्लूम 12th एनसीईआरटी में मिलेगा, और रेड टाइड आपको 11th की डायनोफ्लैजेलेट्स में मेंशन किया है। तो रेड ये होता है वीजीए के लिए, अलगल ब्लूम जो होगा, अगर आप एल्गी की बात करें स्पेसिफिकली तो आपकी अलगल ब्लूम बोलेंगे। ठीक है, रेड सी एंड रेड टाइड स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए। रेड टाइड जो होता है, आपकी एनसीईआरटी मेंशन भी की है, ये आपके ग्रैनुलेक्स जो होता है एक डायनोफ्लैजेलेट्स, इसके वजह से होता है, इसकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है और ये रेड टाइड कॉज करता है। ओके, एंड रेड सी जो होता है, ये आपका एक बीजी होता है जो कि रेड इन कलर होता है, उसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम। ओके, तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेड सी, बट ये सारे जो वर्ड यूज किए गए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं और क्या कन्फ्यूजन क्या आती है। देखिए, यहाँ पे रेड टाइड की बात करें तो ग्रैनुलेक्स रेड टाइड है, ये स्पेसिफिक वर्ड है, इन्हीं स्पेसीज के लिए नेम यूज किए जाते हैं, रेड टाइड और रेड सी। ओके, ये दोनों भी बेसिकली आपके वाटर ब्लूम ही हैं, ये दोनों भी वाटर ब्लूम है, नो डाउट वाटर ब्लूम है, बट अगर आप रेड सी की बात करेंगे तो आपको केवल एक ही वर्ड आना चाहिए ट्राइकोडेस्मियम, रेड टाइड की बात करेंगे तो ग्रैनुलेक्स। एग्जांपल के लिए आपके रेड टाइड जो अदर इसके स्पेसीज होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के, वो भी शो करते हैं, लाइक जिम्नोडियम इज आल्सो सॉरी रेड टाइड नहीं शो करते बट वाटर ब्लूमिंग काज करते हैं, जिम्नोडियम जो होता है वो भी वाटर ब्लूमिंग काज करेगा, मीन्स एक्सेसिव ग्रोथ होगा बट वो रेड नहीं होगा, तो इस वजह से रेड टाइड नहीं बोलेंगे। तो रेड टाइड जो होगा वो स्पेसिफिक ग्रैनुलेक्स के लिए होगा, रेड सी जो होगा वो ट्राइकोडेस्मियम के लिए होगा। अलगल ब्लूम की बात करें, अब अगर बोलते हैं आपका ऑप्शन आता है कि वाटर ब्लूम इज कॉज्ड बाई बोथ
ओनली डायलोफ्लाजेट्स या ओनली वीजीए, तो आपका ऑप्शन जाएगा बोथ। अल्गल ब्लूम इज कास्ड बाई, तो आपका वीजीए के लिए जाएगा। फिर आपका बोलता है कि रेड टाइड इज कास्ड बाई वीजीए, गलत हो जाएगा। आपका आंसर अगर ऑप्शन में आता है डायनोफ्लाजेलेट्स, सही होगा। आपका ऑप्शन में आता है जिम्नोडियम और गैनुलेक्स, तो आपको गैनुलेक्स ही टिक करना होगा। इस तरीके से मींस ये नैरो रेंज, नैरो बॉर्डर्ड होते हैं। आपके स्पेसिफिक स्पेसीज के लिए वर्ड यूज किए गए, ये आपके एल्गे के लिए यूज किया जाएगा, और ये ब्रॉडली किसी भी स्पेसीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप वाटर ब्लूम बीजिए के लिए भी बोल सकते हैं और आपके डायनोफ्लाजेलेट्स के लिए भी। ओके, देखिए इसमें रेड टाइड और रेड सी को अगर याद करने की बात करें तो टाइड जो होता है, टाइड आपकी लहर टाइप मींस समथिंग मूवेबल, तो डायनोफ्लेजलेट्स जो होते हैं, गैनुलेक्स जो होगा ये डायनोफ्लेजलेट होता है, इसमें फ्लेजिला होते हैं और ये मोबाइल होगा। ओके, मूवेबल होगा। बट आपका रेड सी जो होता है ये बीजीए में होता है, एंड बीजीए नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, बीजीए जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, या फिर सेसाइल बोल सकते हैं, सेसाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो रेड सी की जब बात करें तो समथिंग मीन्स आपको ये याद करने के लिए मीन्स आप ट्रिकी आप दिमाग में रख सकते हैं। टाइड की जब बात आएगी तो फ्लेजलेस रिलेटेड डायनोफ्लेजलेट की बात करेंगे, और जब रेड सी की बात करेगी तो हम इमोटाइल और नॉन मोटाइल की बात करेंगे, मीन्स वीजीए की बात करेंगे। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।